ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू इसुजू डी मैक्स एस कैब हाई राइड 5 सीटर। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे, पूरा वॉक अराउंड आपको इधर देखने को मिलेगा। अगर आप ये लेने के बारे में सोच रहे थे तो अपने थॉट्स भी आप बता देना। अगर आप अभी तक शोरूम विजिट कर चुके हो, इसको देख चुके हो, इसकी टेस्ट ड्राइव ले चुके हो, तो आपके जो रियल लाइफ व्यूज़ है जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। इधर आपको मैं सारी डिटेल्स कवर करने की कोशिश करूँगा, पूरा इंटीरियर पूरा एक्सटीरियर डिटेल में दिखाऊँगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। चलते हैं पास में, इसका जो क्लोज व्यू है वो आपको दिखा देते हैं। मूव कर लेते हैं ड्राइवर साइड तक। सबसे पहले आप इसका जो हेडलैम्प क्लस्टर है वो आप देख लो, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड फिटमेंट इधर दी गई है। नॉर्मल हेडलैम्प दिए गए हैं तो बहुत अच्छा सा आपको लाइट मिलने वाला है। नाइट टाइम की अगर आप बात करते हैं, स्पेशली आप ऑब्वियसली आप नाइट टाइम में अपने हेडलैम्प्स ऑन करने वाले हो। इधर देखते हैं, कोई भी आपको फॉग लैम्प्स वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको लगवाने चाहिए, मेरी ऐसी आपसे रिक्वेस्ट है। सिंपल प्लेन ब्लैक फिटमेंट दी गई है। इधर आपको जो इसुजू का ब्रांडिंग है वो आपको दिया गया है, पूरा क्रोम और पियानो का कॉम्बिनेशन, बहुत ही ब्रॉड सी पूरी जो ब्रांडिंग है वो आपको मिलती है। बाकी पूरी आपकी जो ग्लॉसी ग्रिल है वो आप पूरी देख सकते हो। पूरा बोनट है वो आप चेकआउट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज ऑफरिंग है ये इसुजू की तरफ से। डुअल वाइपर सेटअप आपको पूरा मिलता है इसमें। फ्रंट में ऐसा कोई मेजर खास चीज़ नहीं थी, लेकिन मैंने पूरा फ्रंट प्रोफाइल आपको चेक करा दिया, पूरा फ्रंट प्रीव्यू आपको दे दिया है। अब चलते हैं गाड़ी का जो साइड प्रोफाइल है वो आपके लिए कवर कर देते हैं, वो आपको शो कर देते हैं। तो इधर आप पूरा वन फ्रेम व्यू ले सकते हो अपने साइड प्रोफाइल का। केवल आप इसकी लेंथ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमंगस ऑफरिंग है जो मैं आपसे स्टार्टिंग में बोल रहा था। इसका जो व्हील एरिया है वो देख लेते हैं, तो गुडियर के आपको नॉर्मल टायर्स प्रोवाइड करे गए हैं 205 R16। इसके साथ में आपका जो ब्रांडिंग है वो पूरी आप देख रहे हो, इसुजू डी मैक्स। पूरा जो ग्राफिक वर्क है वो आप चेकआउट कर सकते हो, इंडिकेटर इंसर्ट हो गया। इधर आपका जो ORVM है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड दिया गया है, बड़ा दिया गया है, बहुत ही हैवी सा ORVM दिया गया है गाड़ी के साइज़ के अकॉर्डिंग। डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं ब्लैक एंड फिनिश के ऊपर, लेकिन इसका साइज़, इसका भी साइज़ केवल आप देखो, बहुत ही ज़्यादा हैवी आपको डोर हैंडल्स दिए गए हैं आपके डोर ऑपरेशंस के लिए। चलते जाते हैं पीछे की तरफ, तो इधर आपको एस कैब हाई राइड की जो ब्रांडिंग है ये भी आपको ग्राफिक फॉर्म में दी गई है। अपनी जो कार्गो स्पेस है वो आप पूरा देख लो, बहुत ही अच्छा सा मटेरियल क्वालिटी है, बहुत ही स्टर्डी सा मटेरियल क्वालिटी इधर यूज़ करा गया है। इसुजू की ब्रांडिंग है वो आप देख सकते हैं, पूरी इधर एम्बॉस्ड मिलती है आपको, स्पेस का पूरा आपको आइडिया लग गया होगा। इधर आपका हाई स्टॉप लैंप हो गया। आ जाते हैं पीछे और इसका जो बैक प्रोफाइल है वो आपको चेक कराएंगे। इधर से आप इसका जो पूरा बैक प्रीव्यू है वो ले रहे हो। इलोंगेटेड फॉर्म में आपके टेल लैंप्स दिए गए, नॉर्मल बल्ब्स आपको यूज़ में दिखते हैं, बाकी सारी ब्रांडिंग्स आपको सब कुछ आपको ग्राफिक फॉर्म में ही मिलता है। इधर भी हैंडल पूरा आपको ये ब्लैक एंड फिनिश पे दिया गया है। इधर पूरा व्यू आपको मिल गया है, पूरा बैक प्रोफाइल मैंने चेकआउट करा दिया है, और इधर से आप जो अदर साइड है वो भी आप देख सकते हो, अदर साइड का भी प्रीव्यू आप ले सकते हो। तो दोस्तों मेरे हिसाब से बाहर की जितनी भी बातें थी वो सारी हो गई हैं, मेरे हिसाब से बाहर कुछ भी नहीं बचा है। अब चलते हैं गाड़ी का जो इंटीरियर है वो आपको चेक कराते हैं। पहले आप पूरा बाहर से देख लो, पूरा इसका डैशबोर्ड चेकआउट कर लो, पूरा ब्लैक एंड फिनिश पे दिया गया है। इसके साथ में पूरा पियानो कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, पियानो ब्लैक कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। अंदर चलकर अभी बात करेंगे। इधर अपना जो डोर है वो देख लीजिए, तो डोर पॉकेट्स हैं, पावर विंडो कंट्रोल आपको दिए गए हैं, फ्रंट वाला आपको ऑटो है मतलब ड्राइवर साइड, विंडो लॉक है आपका, डोर लॉक है, ये सारा जो फंक्शनिंग है वो आपको प्रोवाइड करी गई है। इसके साथ अब इधर आपकी जो सीट एडजस्टमेंट्स हैं वो देख लीजिए, मैनुअल एडजस्टमेंट्स आपको मिलने वाली हैं, और आपके हेडरेस्ट हैं ये आपको इनबिल्ट दिए गए हैं आपकी सीट्स में। इसके साथ में आपकी जो कीज़ हैं ये आपको नॉर्मल कीज़ मिलती हैं, ये आप देख सकते हो, नॉर्मल की आपको प्रोवाइड करी गई है। इधर चलते हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर, अंदर बैठकर बात करेंगे इसके इंटीरियर के बारे में, तो लेट्स गो इनसाइड। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ अंदर, और आप इसका जो इंटीरियर है वो आप चेकआउट कर रहे हो। पूरा जो ब्लैक एंड फील है, लेकिन उसके बाद भी इतना ज़्यादा स्पेस अंदर है कि आपको ये बहुत एरी लगेगा। पूरे डुअल कॉम्बिनेशन हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, ऊपर पूरा बेज का कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है। पूरा पहले व्यू ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। इधर अपना आप जो बोल सकते हैं अपर पार्ट है डैशबोर्ड का वो आप चेक कर लो, हैजार्ड लाइट का बटन दिया गया है। इधर आपकी स्पेसेस हो गई, बहुत अच्छी सी स्पेस पूरी इधर निकाली गई है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आते हैं, तो इधर आपका आप ये मीटर है आपका जो DIS है, और आपका जो स्पीडोमीटर है वो आपको दिया गया है। इसमें आप अपनी होस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। इसका जो कलर रहता है ना ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, काफ़ी अच्छा सा ऑरेंज लाइट इधर यूज़ करा गया है। बाकी आप अपने थॉट्स बता देना कि आपके इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं।
इधर आप देखते हैं अपना ड्राइवर साइड, तो आपका जो हेडलैम्प एडजस्टर है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। इधर आपका की इंसर्ट पॉइंट हो गया, ये देख लीजिए, और इधर आपके एसी वेंट्स हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ में लीवर्स पे आते हैं, तो आपका वाइपर का है, इधर आपका इंडिकेटर और लाइट का है। पीछे आ जाते हैं, अपनी स्टेयरिंग चेक कर लीजिए, नॉर्मल सी स्टेयरिंग दी गई है। सुजुकी ब्रांडिंग आपको मिलती है क्रोम पे, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, लेकिन अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस लगेगा, बहुत अच्छी सी स्पेस इधर निकाली गई है। इधर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है आपके ए पिलर में। अब आ जाते हैं सेंटर में, हज़ार लाइट के बारे में आपसे बोल चुका था, हज़ार का बटन दिखा दिया था। एसी वेंट्स का डिज़ाइन आपको चेंज मिलेगा अगर आप कंपेयर करते हो ड्राइवर को ड्राइवर से। नीचे आते हैं तो आप सोनी का अपना सिस्टम देख सकते हो। होम पे मैं प्रेस कर देता हूँ, ज़रूरत के जितने फीचर्स वो सारे आपको सामने दिख रहे हैं। ये आपका ट्यूनर है, ब्लूटूथ ऑडियो है, फ़ोन है, इसके बाद यूएसबी है, ऑक्स है, रियर कैमरा सेटिंग्स, ये सारे दिए गए हैं। इधर आपका यूएसबी और ऑक्स आपको दिया गया है। ये आपका रोटरी नॉब हो गया, ये होम का बटन हो गया। तो सोनी के सिस्टम्स तो बहुत ही बढ़िया रहते हैं, ये तो आपको पता ही है, तो इसमें भी कोई इतना बोल सकते हैं कुछ अलग नहीं है। ये भी आपको बहुत अच्छा सा साउंड मिलेगा रेंज के हिसाब से। बाकी आप बता देना कि आपको डिस्प्ले वगैरह इसका कैसा लग रहा है, कैसे आपको फील आ रहा है ये। इसके साथ में चलते हैं नीचे की तरफ, और इधर आपका जो एसी कंट्रोल एरिया है वो आप देख सकते हो। मैनुअल एसी आपको दिया गया है ऑब्वियसली, और दोनों आपकी रोटरी नॉब्स आपको प्रोवाइड करी गई हैं। इधर आप अपनी जो स्पेसेस हैं वो आप देख सकते हो। इसके बाद में इधर आपका 12 वोल्ट का सॉकेट है वो आपको प्रोवाइड करा गया है गैजेट्स वगैरह चार्ज करने के लिए। 5 स्पीड आपका ये गियर बॉक्स है। पूरी कन्वीनियंस स्पेसेस हो गई, हैंड ब्रेक दिया गया ब्लैक एंड फिनिश पे। इधर आपका आर्मरेस्ट बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड दिया गया है, अंदर की जो स्पेसेस हैं वो आप चेक कर लो। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इधर आपका जो अपर ग्लव बॉक्स है, पहले मैं वो आपको चेक करा देता हूँ। इसकी स्पेसेस देख लो आप, तो आपको रिमोट भी मिलता है आपके सिस्टम का, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और ये आपका हो गया लोअर ग्लव बॉक्स, तो अच्छी खासी स्पेसेस भी निकाली गई हैं, अगर आप जैसे चाहना वैसे यूज़ कर लेना। इधर आपको वैनिटी नहीं मिलता है, इधर भी आपको वैनिटी प्रोवाइड नहीं करा गया है। केबिन लैंप आपको सेंटर में मिलता है, और इसका साइज़ मुझे ठीक लग रहा है, बाकी आप अपने व्यूज़ बता देना। तो दोस्तों यहाँ पे अब करते करते पूरी गाड़ी दिखाते दिखाते पूरा जो फ्रंट है वो पूरा कवर हो गया। एक्सटीरियर मैंने पूरा आपको चेक करा दिया था, अभी तक आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा बता दीजिएगा। अब चलेंगे गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में, वहाँ बैठकर देखेंगे कि पीछे बैठने में कैसा लगता है, कस्टमर सेंट्रिक का आपको पीछे क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये 5 सीटर पूरी आपकी ऑफरिंग है। प्लस आपका जो ह्यूमंगस सा कार्गो स्पेस है, जो बहुत बड़ा हाईलाइट रहता है सुजुकी गाड़ियों में, आप डी मैक्स की अगर आप बात करते हो। तो चलते हैं सेकंड रो में, वहाँ पे बैठकर देख लेते हैं कैसी स्पेसेस वगैरह प्रोवाइड करी गई हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करिएगा, @ज्ञानी इनफ है, वहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल वर्ल्ड रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलते हैं, लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार नाउ। ये अपने आप दोस्तों सेकेंड रो ऑफ सीट्स देख रहे हैं, आपके हेडरेस्ट हैं इधर, ये आप चेक कर लीजिए, ये आपको एडजस्टेबल प्रोवाइड करे जाते हैं, ये आपको मैंने बता दिया है। इसके साथ में आपके जो आर्मरेस्ट वगैरह वो आपको प्रोवाइड नहीं करा गया है, सिंपल प्लेन बैक मिलता है। इधर अपना जो रियर डोर है वो देख लीजिए, तो डोर पॉकेट्स हैं, पावर विंडो कंट्रोल हैं, और बाहर से ये सब चीज़ें कवर हो गई। चलते हैं अंदर, अंदर बैठकर देख लेते हैं। तो मेरी हाइट आपको पता है 6 फीट है, बहुत ज़्यादा स्पेस इधर है। अभी आप सीट का आगे का स्पेस देख लो, तो आराम से पीछे कर लो, इतना इतना स्पेस खाली है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हेडरूम भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, सेफ्टी हैंडल्स आपके दिए गए हैं तीनों डोर्स के ऊपर। इसके बाद इधर हम्प भी, इतना कोई हैवी हम्प प्रोवाइड नहीं करा गया है, बहुत ही नॉर्मल सा हम्प आपको मिलता है। तो बीच में जो पैसेंजर बैठेगा उसको भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी जो लोग भी यूज़ कर रहे हैं ना, प्लीज़ अपने व्यूज़ और थॉट्स बता दीजिएगा, आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है और इंटरेस्टिंग रहता है, और जो लोग शायद आगे लेना चाहते हैं उनके लिए तो खास तौर से। अब मैं आ जाता हूँ सेंटर में, और जब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ तो आपको डैशबोर्ड ज़रूर चेक करा देता हूँ हर गाड़ी का। इधर आप देख रहे हैं अपना डैशबोर्ड, और बहुत ही बढ़िया सा सिंपल सा फील आपको आएगा। देखिए सीधी बात है, लेकिन मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ साथ आपको स्पेस बहुत अच्छी मिलेगी इस गाड़ी के अंदर, बहुत बढ़िया सा आपको स्पेस इधर मिलेगा। आराम से आप इसको एक आपको फीलिंग आ जाएगा कि हाँ बहुत ही ब्रॉड स्पेसेस हैं। बाकी मैंने जैसे आपसे बोला ना कि जो लोग चला रहे हैं ना वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बता देना, जो लोग रेगुलर यूज़र हैं इस ऑफरिंग के सुजुकी तरफ से। अब मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करूँगा, अपना प्यार अपना सपोर्ट बना के रखिए। आपको इसमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता वो आप बता देना, जिन्होंने पहली बार देखी है उनके लिए मैं ये बात पूछ रहा हूँ। बाकी आप अगर दोबारा से आओ, रिटर्निंग व्यूअर हो इस पे, तो आप फिर से आप अपने जो व्यूज़ हैं आप बता सकते हैं, अगर आपने पीछे नहीं बताए हुए हैं तो वो काफ़ी वेलकम रहते हैं। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दोस्तों ज्ञानी इनफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।